हमारे साथ इस वक्त राखी सावंत जी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, एक बार आप फिर से कॉन्ट्रोवर्सी में, आपकी फिल्म आ चुकी है, क्या कहना चाहिए? भैया हमको कॉन्ट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं कॉन्ट्रोवर्सी से। मैं जितनी दूर भागती हूँ कॉन्ट्रोवर्सी उतनी मेरे पीछे पीछे भाग के आती है। हम लोग अभी हाई कोर्ट गए हैं और सेंसर बोर्ड के खिलाफ, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, जिन्होंने पूरी फिल्म के जो डायलॉग्स है उन्होंने 13 टाइम्स यूएस सर्टिफिकेट देने के बाद, फिल्म अभी रिलीज़ पे है तो उन्होंने ए सर्टिफिकेट थमा दिया है। वो कहते हैं कि फिल्म में कुछ हो ना हो, अगर राखी सावंत का चेहरा है तो हम ए सर्टिफिकेट देंगे। तो सबसे ज़्यादा दुख यही हो रहा है, क्या कोई मैं पॉर्न स्टार हूँ या उन्होंने मेरी कोई पॉर्न फिल्म देख ली जो वो ए सर्टिफिकेट देंगे, या एक कहानी जुली की कोई पॉर्न फिल्म है जो ए सर्टिफिकेट देंगे। सेंसर बोर्ड में से किसने कहा कि इस तरह का? देखिए वो तो आप ढूंढिए, जिन्होंने जिनके पाँच छः लोगों के साइन है उनको आप जाके पकड़िए, उनको बोलो, आप बोलिए कि 13 टाइम डायलॉग में ये सर्टिफिकेट देने के बाद आपने ए सर्टिफिकेट क्यों दिया। जिन जिनका नाम है सर, जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए उनको पकड़िए, आप क्यों नहीं पकड़ते? मैम जैसे कि रिव्यू कमेटी होती है उस पर आपने क्यों नहीं अप्लाई किया फिल्म डायरेक्टली, आप हाई कोर्ट? वो आपको बताएंगे। रिव्यू कमेटी में हम नहीं जा सकते थे क्योंकि 9 तारीख को फिल्म रिलीज करनी थी और हमारे बहुत सारा पैसा लग चुका है फिल्म पे, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सब तय हो चुके हैं, हमारे सिनेमास तय हो चुके हैं। अब हमने सिनेमा से ये कहा था जब हमारे प्रोमो चल रहे थे कि हमें यूए सर्टिफिकेट मिला है, जब सिनेमास को ये कहा कि हमें ये सर्टिफिकेट मिला है उनको बहुत धक्का लगा इस नहीं पार्थे. लेकिन ये बार बार रिवाइज कमेटी में क्यों जाना? पहले से ही उन्होंने यूए सर्टिफिकेट 13 डायलॉगों को क्यों दिए और फिर ए सर्टिफिकेट? मतलब बार बार क्या प्रोड्यूसर सेंसर बोर्ड के पीछे भागता रहे क्या? कोई भगवान है क्या सेंसर बोर्ड, उनके पीछे भागते रहे? रिवाइज में जाओ, यहाँ जाए, फिल्म बनाना कोई जुर्म हो गया? कोई फिल्म बनाना जुर्म हो गया क्या? मैम जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होती जा रही है क्योंकि फिल्म के द्वारा हर वक्त फिल्म जो है शॉर्ट्स काटे जा रहे, चाहे उड़ता पंजाब हो बार बार, और देखो कि जो फिल्म है। देखिए मैं तो इतना बताती हूँ कि वाहियत से वाहियत फिल्में आती है, गंदे गंदे डायलॉग्स, गंदे गंदे जो बच्चे ना देखे वैसे वैसे सीन दिखाए जाते हैं, उनको कोई कैची नहीं लगे और मैं नहीं चाहती कि उन पर कोई कैची भी लगे। बट उन्होंने मेरी फिल्म को क्यों टारगेट किया? सब मेहनत करते हैं, सब पैसा कमाते हैं, पैसे लगाते हैं, हमारे जैसे छोटे प्रोड्यूसर है पैसा लगाते हैं, तो बड़ी फिल्मों को ऐसे मस्की की तरह छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो उनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने भी कसम खा रखी है, हम लोग भी हाईकोर्ट में लड़ेंगे। हम लोग इसलिए लड़ेंगे क्योंकि और दूसरे कोई छोटा प्रोड्यूसर होगा उनके उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए हम लड़ेंगे। हमारी फिल्म अभी रिलीज पे है और कल हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे सेंसर बोर्ड के ऑफिस में या प्रहलाद निलानी के घर पर। तो आपको लगता है प्रहलाद निलानी को रिजाइन नहीं देना चाहिए क्योंकि हर वक्त वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है फिल्म, उन्होंने बहुत सारे। मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए प्रहलाद निलानी को, प्रहलाद निलानी जी अकेले चेयरमैन है, उनका कसूर नहीं है, उनके हाथ के नीचे जो मेंबर्स बैठे हैं उनका कसूर है। यू नो आप प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करेंगे, उनके जो दूसरे मंत्री अगर वो गलतियां करें तो आप प्राइम मिनिस्टर को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो जो जो जिन मंत्रियों ने गलतियां करी है उनको रिजाइन करें, वो गलत है। तो आपको इस तरह की कोई जानकारी है कोई कमेटी मेंबर में जिन्होंने इस तरह का काम किया है, जो फिल्म का जो भी इन्होंने साइन किया होगा इस पर, जिन्होंने फिल्म देखी होगी, जिन्होंने यूए सर्टिफिकेट देकर ए सर्टिफिकेट दिया, उनको पकड़ना है। मैं कहना ही चाहता हूँ जब फिल्म देखते हैं स्क्रीनिंग करते हैं मेंबर, उनके पास ये रहना चाहिए कि इन डायलॉगों पे हमने यूए दे चुके। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अवध जी खुद सेंसर बोर्ड में 6 महीने नहीं, मैं 6 साल मेंबर रह चुका हूँ, 6 साल। हाँ, जिनको ये रहना चाहिए कि हमने इन प्रोमोज पे यूए सर्टिफिकेट दे दिया, उन प्रोमोज को तो कोई मतलब ही नहीं बनता जो ऑलरेडी दे चुके जिनका यूए सर्टिफिकेट, आगे की फिल्म की बात करनी चाहिए। यहाँ तो पता क्या बात है, लग रहा है कि सेंसर बोर्ड में आपस में दुश्मनी निकाली है क्योंकि अवध शर्मा जी जो मेरे प्रोड्यूसर है वो सेंसर बोर्ड में ही थे 6 साल तक, तो मुझे लगता है उनको अच्छा नहीं लगा है कि अवध शर्मा जी ने फिल्म बना ली और वो लोग ऐसे निठल्ले बैठे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पाए। कल प्रदर्शन होगा, कहाँ पे होगा प्रदर्शन, कुछ एक बार जानकारी दे सकते हो? कल अपडेट कर देंगे, कल हमारी हाई कोर्ट में सुनवाई है, सुनवाई के बाद हम आपको बता देंगे किस जगह क्या होगा। मैम जैसे कि एक जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट बिल जो है अभी जो संसद में आने वाला है, तो जिस तरह से जो एक कट्स होते हैं ये जो फिल्मों में आपके कट्स दिए गए, तो सेंसरशिप के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए या सेंसरशिप होना चाहिए? मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड में
जो लोग बैठे हैं वो लोग सही तरीके से प्रोड्यूसरों को और फिल्म के साथ न्याय नहीं कर रहे। मुझे लगता अब ये सारा मामला हाईकोर्ट में ही जाना चाहिए। बिल पास होना चाहिए जो संसद में। कौन सा बिल? एक बिल आने वाला है, सेंट्रल जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आपने एक बार यूए सर्टिफिकेट दे दिया तो उसके बाद आप उसी डायलॉग को काटने के लिए कह देंगे, ये डबल बात कहीं नहीं। देखो टेक्निकली बात तो यही करेंगे, मैंने लॉ पढ़ा नहीं है तो इनको मालूम है। कॉपीराइट एक्ट 52A सेंसर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एक बार सेंसर मिल गया तो इट मीन्स आप पक्के हो गए। आप देखिए हमें सैटेलाइट में बेचने के लिए फिल्म प्रॉब्लम हो रही है इनके ए सर्टिफिकेट की वजह से, हमें कितनी दिक्कत मेरे प्रोड्यूसर को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन भाई मैं अभी आपकी बहन हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मोदी जी से क्या अपील करना चाहिए प्रधानमंत्री? बस यही कि मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है पहला नीलानी जी के लिए, और उन्होंने मोदी जी आप ही के देश की बेटी के साथ, आपने कहा बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो आप ही की देश की बेटी के साथ उनकी फिल्म के साथ अन्याय किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर बीजेपी और हमारी सरकार अगर मेरा इंटरव्यू सुन रही है तो पहलाज निलानी से बात करेंगे, और पहलाज निलानी जी अपने सेंसर बोर्ड के लोगों से बात करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें शायद यूए सर्टिफिकेट मिल जाए तो मेरे प्रोड्यूसर के पैसे बच जाए। अच्छा, इस बात की शिकायत में आईबी मिनिस्टर है राज्यवर्धन राठौड़, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनको मैं दे के आया हूँ कल दिल्ली में, उनको एक कॉपी दे के आया हूँ, और उनको वो थे नहीं लेकिन उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से मिल के और मेल भी किया मैंने कॉपी को, और ये कह के आया हूँ कि हमें यूए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो हम लड़ेंगे और हमें यूए सर्टिफिकेट ही मिलना चाहिए। अभी तो हम रिलीज थिएटर लिए हैं, पैसे चले गए हैं, तो अब तो जैसे तैसे रिलीज तो करना ही पड़ेगा। मे बी शायद अगर यूएस सर्टिफिकेट मिले तो मे बी दोबारा भी रिलीज कर सकते हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा आगे, आई डोंट नो। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैमरा पर्सन भीम के साथ कृष्णलाल कुलियाल, बॉलीवुड अड्डा।